कोरिया जिले के पटना थाना के अंतर्गत आने वाली ज्वेलर्स की दुकान में बीते 19 फरवरी की मध्य रात्रि को हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। बता दें कि इस घटना में शामिल चोरों को पकड़ने के बाद जिले की पुलिस अधीक्षक सूरत सिंह परिहार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि चोरी की घटना में पकड़े गए चोरों आरोपी मध्य प्रदेश के सिंगरौली के रहने वाले हैं, जो कि फैक्ट्री में काम करने के नाम से कोरिया जिले में आए थे और इस दौरान आरोपियों ने दुकान की रेकी कर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया। ये चार आरोपी पकड़ में आए हैं, ये सिंगरौली के हैं। ये लोग फैक्ट्री वगैरह में काम ढूंढने के बहाने रेकी वगैरह करके चोरी करते थे। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये लोग इससे पहले सूरजपुर के भैया थान इलाके में भी रेकी करके चोरी का प्रयास किए थे, वहाँ किसी कारणवश असफल रह गए, तो फिर इन्होंने यहाँ पे ये घटना गाड़ी की। और मुख्य चीज़ यह है कि 72 घंटे में सभी हत्थे चढ़ गए। सिंगरौली से इनको पकड़ा गया। इन्होंने जो वाहन प्रयुक्त किया था इंडिगो, वो वाहन भी हमारे जब्ती में है और सारा माल मशरूका जितना इसमें चोरी गया था वो सब बरामद हो गया।